पॉलिटिकल पार्टी अगर इस देश में मजबूत होती, देश का विपक्ष मजबूत होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। और हमने तो जब सरकार और देश का राजा ये कह रहा है कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो फिर चुनाव की कहां जरूरत रहेगी देश में? भाई चुनाव की जरूरत रही नहीं, इसको रिन्यूअल कर लो ना फिर। क्यों देश को भी बेवकूफ बना रहे हो भाई? एक पॉलिसी ले आओ के और कह दो कि सरकार को रिन्यूअल कर दो। लेकिन किसान मोर्चा के आंदोलन और ये चुनाव को लेकर किस तरह से हमारा कोई कनेक्ट नहीं है? हम जो भी मूवमेंट के लोग चुनाव लड़े उसका पर्चा कैंसिल कर दो। पर्चा कैंसिल कर दो उसका, हम अगर चुनाव लड़ा हमारा पर्चा कैंसिल करो। लेकिन आंदोलन देश में बंद नहीं होंगे, आंदोलन चलते रहेंगे। दिल्ली जा रहे हैं, पिछले बार जो हुआ सालों तक वहां पे बैठे थे आप, आंदोलन हुआ, बहुत बड़ी आंदोलन हुई वहां पे, अभी भी बैरिकेड लगाए हैं, अभी भी वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आप, दिल्ली पहुंचने क्यों सर? क्या और कहां जाएं? कानून कहां बनते हैं? बेंगलोर में बनते हैं क्या भाई? कानून अगर उसके पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़े तो वहां पर चल जाएंगे। जहां जिसका काम है, हल तो खेत में ही चलेगा, विधानसभा में तो चलेगा, कानून कहां बनते हैं? बेंगलोर में बनते हैं क्या भाई? कानून अगर उसके पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़े तो वहां पर चल जाएंगे। जहां जिसका काम है, हल तो खेत में ही चलेगा, विधानसभा में तो चलेगा नहीं। कानून दिल्ली बनाता है तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली क्यों ना जाएंगे?